कुल्लू जिला पुलिस ने पुलिस लाइन बाशिंग में कोर्ट से डिसाइड मामले में ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने 68 अलग अलग मामलों में बरामद किए गए नशीले पदार्थों को आग में जलाकर नष्ट किया। एसपी कुल्लू गौरव सिंह की उपस्थिति में इस कार्य को अंजाम दिया गया। कुल्लू जिला पुलिस ने न्यायालय से निपटाए जा चुके मामलों में बरामद किए गए नशीले पदार्थों को आग में जलाकर नष्ट कर दिया। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में कुल्लू, बंजार, आनी और मनाली थानों के अंतर्गत 68 मामलों में पकड़ी गई 87 किलो 217 ग्राम चरस, 601 ग्राम अफीम भुक्की और 4 किलो 372 ग्राम गांजा आग के हवाले किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने वर्ष 2019 से लेकर अब तक 237 किलो 602 ग्राम चरस, 44 किलो 701 ग्राम अफीम भुक्की, 208 ग्राम हेरोइन और 4 किलो 372 ग्राम गांजा नष्ट किया है। आज पुलिस लाइन कुल्लू में नारकोटिक्स ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने पिछले वर्ष 2019 में 4 थानों में, जिनमें कुल्लू, मनाली, अन्नी और बंजार हैं, इनमें पंजीकृत तकरीबन 68 केसेस में एनडीपीएस के कॉन्ट्राबैंड की स्क्रूटनाइज की है, जिसमें प्री ट्रायल डिस्पोजल किया गया है। इसमें 87.217 केजी चरस, 601 ग्राम पॉपी स्ट्रॉ, 4.372 केजी गांजा इसमें डिस्ट्रॉय किया गया है। पिछले वर्ष 2019 में पंजीकृत कई थानों के केसेस में इस वर्ष तकरीबन डिस्पोजल नारकोटिक्स ड्रग्स का किया गया है, जिसमें चरस 238 किलो है, पॉपी स्ट्रॉ 45 किलो के करीब है, हेरोइन 208 ग्राम है और गांजा 4.372 केजी है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।